नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं, जबकि 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इस बार 4 धाम पर आने वाले यात्रियों को QR कोड जारी किया जा रहा है। उपमंडल ठियोग में जगेड़ी हिमफेड के पेट्रोल पंप पर करीब 1,30,00,000 रुपए का घोटाला हुआ है। इसकी शिकायत हिमफेड की ओर से पुलिस थाना ठियोग में दर्ज करवा दी गई है। जिला की SP मोनिका भुटुंगरू ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हिमफेड के इंचार्ज यशवंत वर्मा की ओर से मामले की शिकायत थाना ठियोग में कार्यवाही दर्ज करवाई गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सीनियर सेकेंडरी हरिंदर कौर ने माना कि गांव में बिजली के लंबे कटों से स्कूलों में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं के सीजन में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट से फसलों को आग लगने की घटनाओं से बचाने के लिए कट लगाए जा रहे हैं। SS राजामौली की फिल्म RRR का ग्राफ अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 के रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों का झुकाव यश की इस फिल्म की तरफ खूब बढ़ा है। यश की फिल्म तो कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, लेकिन ऐसे में फिल्म RRR को इसका नुकसान हो रहा है। RRR ने जहां शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड कायम किए, वहीं फिल्म की रिलीज के 29वें दिन फिर से इसकी कमाई में उछाल हुआ है। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां से मुलाकात के बाद शुक्रवार को शिवपाल यादव ने सपा पर हमला बोला। कहा कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव चाहते तो आजम जेल से बाहर होते। उन्होंने इस मामले में सीएम योगी से मुलाकात करने की बात कही। आजम शिवपाल की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के काउंसलर डेरेक चॉलेट ने कहा था कि बाइडेन प्रशासन भारत के रक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं और आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाता है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 105.41 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 96.67 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120.51 रुपए व डीजल की कीमत 104.77 रुपए प्रति लीटर है। प्रयागराज के थरवई के खेवजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसमें दंपति के साथ उनकी बेटी, बहू और 2 साल की पोतरी शामिल है। सभी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा गया। एम्स प्रबंधन ने प्राइवेट वार्ड से जुड़े सेवा शुल्क को 2 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे आगामी दिनों में होने वाली वित्तीय समिति की बैठक में रखा जाएगा। बैठक में सभी सदस्यों की आपसी रजामंदी के बाद एम्स प्रबंधन प्राइवेट वार्ड में भर्ती के लिए मरीजों से 2 गुना तक शुल्क हासिल कर सकता है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एम्बरग्रीस की तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए खुद ग्राहक बनकर डील की और 22 किलो एम्बरग्रीस बरामद किया। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।